से हैं, आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में व्याकरण अंशों को बताया था, है ना? कौन सा व्याकरण किया था मैंने? मैंने पिछली कक्षा में विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड के बारे में मैंने बताया था। विलोम शब्द का अर्थ और विलोम शब्द कौन कौन से है वो मैंने पिछली कक्षा में बताया था, है ना? तो बच्चों, आज हम वचन बदलिए सिंगुलर और प्लूरल उसके बारे में आज हम जानेंगे आज की कक्षा में, ठीक है? तो बच्चों, आज की कक्षा में वचन का अर्थ क्या है, वचन के भेद कौन कौन से हैं, वो हम आज की कक्षा में जानेंगे, ठीक है? देखिए, वचन बदलिए, वचन बदलिए का अर्थ क्या है? देखिए बच्चों, वचन का अर्थ है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। क्या है बच्चों वचन का अर्थ? संज्ञा के जिस रूप से हमको एक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद रहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। तो देखिए, वचन के दो भेद में एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन का अर्थ क्या है बताइए? एक वचन का अर्थ है कि जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे हमें एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन किसी वस्तु पदार्थ प्राणी आदि चीजें एक होने का पता चलता है उसे हमें एक वचन कहते हैं। देखिए, मेरा हाथ में सिर्फ एक ही 24 है, इसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है? तो बहुवचन का अर्थ है कि शब्द के जिस रूप से अनेकते का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन का मतलब क्या है बच्चों? अभी किसी पदार्थ एक से ज्यादा अनेकता में रहता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अभी मेरे हाथ में 3 चौबीस है, इसे हम एक वचन कहते हैं या फिर बहुवचन कहते हैं? इसे हमें बहुवचन कहते हैं, ठीक है बच्चों? देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल आपको लिखी हूँ, इसका बहुवचन रूप हमें लिखेंगे। देखिए, ये मैंने जो लिखी हूँ वो है एक वचन, ठीक है? अभी इसका बहुवचन रूप लिखिए। देखिए, पौधा, पौधे, तारा, तारे, अंडा, अंडे, चूहा, चूहे, नेक्स्ट सड़क, सड़के, नेक्स्ट लड़का, लड़के, ये है बहुवचन रूप। दवाई, दवाइयां, दवा, दवाइयां, नेक्स्ट धारी, धारियां, पाइप, पाइरों। देखिए बच्चों, बोलिए आपके मेरे साथ एक वचन और बहुवचन। पौधा, पौधे, तारा, तारे, अंडा, अंडे, चूहा, चूहे, सड़क, सड़के, लड़का, लड़के, दवाई,